तंत्र बनाने का प्रयास करो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। जिंदगी भर तक कहीं ना कहीं डिपेंडेंट मरीजों का, तो रोग का डिपेंडेंट, स्वस्थ होगा तो ऑक्सीजन का डिपेंडेंट, और वो वही स्थिति में उनको चलना पड़ेगा। उनको बचाना, आप कितना भी प्रयास करो, शरीर को बचाने में सफल बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी आदमी कितना भी व्यायाम कसरत करे, वो अपने शरीर को बचा नहीं पाएगा, नेवर, पक्का। लाख प्रयास करो, शरीर जाने का स्वभाव वाला है, प्रश्न समय का है, 90 साल 100 साल चाहे कितना भी हो, मगर जाएगा। अभी तीसरे नंबर की बात, शरीर परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, और मन क्या है? आप बोलेंगे क्या मन है? संचालित, नहीं वो मत बोलो, ये दो में से कौन सी कैटेगरी में, परतंत्र स्वतंत्र? अभी मन की बात आई, मन को आप क्या बोलेंगे, परतंत्र है कि स्वतंत्र है? क्या है? क्या है? सच बोलो, यदि अधीन होना तो तुम सोचो कि इसी विचार को मन में लाना ही नहीं, तब बोलो। आप नहीं चाहते हो, फिर भी ऐसे विचार आपका कब्जा लेकर ही बैठते कि आप उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते। कई चीज ऐसी कि जिनको आप निकालना चाहते हो, वो मन में इतनी स्टोरेज हो चुकी तुम निकाल ही नहीं पाते, घूम 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 करके वहीं बात आकर के रहती है। आपको लगता है कि ये मन मेरा है कि दूसरे का है? आज मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए सूत्र आंखों के सामने रखना, शरीर परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, और मन यदि शरीर के पक्ष में है तो परतंत्र है, और आत्मा के पक्ष में है तो स्वतंत्र है। रिपीट, मन की दो कंडीशन, यदि आत्मा के पक्ष में रहा तो वो स्वतंत्र है, और शरीर के पक्ष में रहा वो तो जिंदगी भर के लिए परतंत्र है। आपको पूछना चाह रहा हूं, 24 घंटे मन बीच में खड़ा है, शायद बोलो किसका पक्ष लेता है, शरीर का पक्ष लेता है कि आत्मा का पक्ष लेता है? यदि आत्मा के पक्ष में 100% इंडिपेंडेंट, और यदि शरीर के पक्ष में 100% इंडिपेंडेंट नहीं, वो गुलाम ही रहेगा। आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, पूरे दिन में शरीर की डिमांड पूरी करने के लिए मन तैयार है कि आत्मा की डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका मन करीबन करीबन कहां की ओर जा रहा है? शरीर डिमांड करता है वो, और आत्मा डिमांड क्या करता है आपको मालूम है? आत्मा की डिमांड क्या है मालूम है आपको? शरीर की डिमांड का तो पता है कि हवा मांगता है, पानी मांगता है, ऑक्सीजन मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है, सब देख लिया। आत्मा क्या मांगता है मालूम है आपको? नहीं समझे? आत्मा की डिमांड क्या? यदि मन आत्मा की सोचता है, 100% वो स्वतंत्र होने के रास्ते पे है। साधु जीवन क्या है? संसारी जीवन और साधु जीवन इतना ही फर्क है, संसारी जीवन में मन शरीर की फेवर में, साधु जीवन में मन आत्मा की फेवर में। हम यही चीज को लेकर के तो स्ट्रगल कर रहे हैं सतत। शरीर ये डिमांड करता है खाना है, और आत्मा बोलती है कि उपवास करना है, ये डिमांड भगवान बोलते कि ये करना है, और हम मन को वहां एडजस्ट कर देते। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, आपकी मानसिकता क्या? एक बात बताऊं, मावी जी, प्रवचन कितना भी अच्छा चल रहा है, मगर आप यहां बैठे और पीछे से आवाज आई, सांप, क्या होगा जामड़ जी, क्या होगा? हाँ, माने क्या भागेगे ना? चलो भागो, इसका भी विरोध नहीं, मुझे लेके भागेगी कि छोड़ के भागेगी? बैंड बाजा बजा के तुम चौमासा लाए हो, और भगवान भरोसे छोड़ के भाग जाएंगे? क्या हुआ? नहीं, इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, चोर की बूम लगी फिर मुझे लेके भागेगी छोड़ के? आप भागो, इसका विरोध नहीं, मगर मुझे लेके की भाग के? क्या है? ये मन की बदमाशी मत करो, सीधा जवाब दो, लेके भागेगी ये ऐसे भागेंगे? हाँ? अ
अभी मैं बोलता हूं औरंगाबाद वाला का मेरे पर प्रेम ज्यादा है, पक्का पता चल गया, छोड़ के भागेंगे। क्या है क्या है? नहीं नहीं बराबर है। अभी जिनके सर पे बाल नहीं बचे वो बोलते जान है तो जहान है। क्या है? ओके, यदि आपको इतना भरोसा है तो इतना बोल दो, हम बाहर नहीं जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, इतना बोल। छोड़ो यार तुम गप्पा मरते हो, मेरे लिए बोलते कि आपके पास नहीं आएंगे, तो आप ये बोलो ना कि हम बाहर नहीं जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। और दूसरी बात सर बोलो पीछे से आवाज आई आप भागेंगे, उनका भी विरोध नहीं, सांप है वो चेक करके भागेंगे कि भागने के बाद चेक करेंगे। अभी इतना तो बताओ जिसने आवाज लगाई वो सही लगाई कि मजाक कर रहा है, वो चेक करके भागेंगे कि पहला भागेंगे? देखो पीछे वाला जो भी बोलता है बिना देखे आप उनको सही मानते हो, और मैं जो बोलता हूं आप उनको बोलते हो, महाराज से को चेक करना पड़ेगा सही है कि झूठ है। भगवान के वचन को तुम चेक करना चाहते हो और एक 420 आदमी को अफवाह फैलाता है उनको तुम सही मानते हो, ये हमारी मेंटालिटी है। परमात्मा के वचन पर हमारी शंका है, भगवान बोलते हैं सही है कि नहीं। मुझे तो एक राजकोट में एक मिल गया था, महाराज साहब आप जो बोलते हो भगवान महावीर ने कहा था, उनको कोई साबिती है क्या? मतलब तू घर पे बैठ गया साबिती, आप आपकी बात नहीं करते हो भगवान महावीर की बात करते हो, किसने महावीर को देखा? और आप जो बोलते हो महावीर की बात करते हो वो किसने देखा? मुझे तो रामायण पे मेरा प्रवचन चल राजकोट में और एक आदमी मेरे पास आया, महाराज साहब आप राम पर बोलते हो, राम हुए थे क्या? मैं बोला कमाल राम हुए थे, महाराज साहब राम को किसने देखा? ये राम के पर प्रवचन चल रहा है, देखा किसने? मैं बोला हिटलर को किसने देखा? नहीं नहीं महाराज साहब वो तो था। अभी हिटलर पे श्रद्धा है और राम पर शंका है, ऐसी मानसिकता को लेकर मैं पूछना चाहता हूं आपको। एक ही बात में बताना चाहता हूं, आप एक काम करना, शरीर की बात मन करे तब उनको बोलना नहीं आज से तेरी बात मानने का बंद किया है, और आत्मा की बात निकले सामने वाला क्रोध करे क्षमा कर देना वो आत्मा की बात है। क्रोध के सामने क्रोध वो मन शरीर की बात कर रहा है, और क्रोध के सामने प्रेम वो आत्मा की बात है। मैं आपको पूछना चाहता हूं किसकी बात को मान के आगे चलेंगे? सामने वाले ने क्रोध किया उनको क्रोध करो, ये शरीर की डिमांड है, और आत्मा ये कहेगा क्रोध करने वाले को क्षमा कर दे, ये आत्मा की डिमांड है, और तय मन को करना है। मैं बताऊं शरीर कभी तय नहीं करेगा, आत्मा कभी तय नहीं करेगा, निर्णय करने की ताकत मन की है। सच बोलो आप किसको मन को कहां भेजेंगे, शरीर की ओर की आत्मा की ओर? एक बार प्रयोग करके दिखाओ और इंप्लीमेंट करके दिखाओ कि गुरुदेव अभी मैं यही करना चाहता हूं, आज तक मैंने शरीर के पक्ष में आत्मा को रखा था, अभी आत्मा के पक्ष में मन को रखता हूं। और फिर तुम देखो साधु क्या है, साधु कोई चीज नहीं, जो मन मेरे पास है वही मन मेरे पास है, मगर हमारा और तुम्हारा मन आपका ये और जा रहा है, हमारा ये और जा रहा है, therefore we are happy। आत्मा के पक्ष में मन वो स्वतंत्र और शरीर के पक्ष में मन वो परतंत्र। आप ये पक्का कर लेना, ध्यान बान सबकी बात छोड़ देना। कई लोग मुझे पूछते, मुझे भी आके पूछते, माना साहब आप ध्यान करते हो? मैं बोलता हूं मैं समय का ध्यान रखता हूं, ध्यान करता नहीं हूं समय का ध्यान रखता हूं। एक एक समय जो आज से जा रहा है वो समय कितना महत्वपूर्ण है वो जिनको पता हो उनको ही पता रहता है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं सर बोलो आपके एक एक घंटे के लिए तय करो, एक घंटा ओनली वन आवर्स, 9 से 10 बजे को छोड़ के 11 से 12, 12 से 2 से 3, और वो एक घंटा ऑब्जर्व करो। शरीर की डिमांड और आत्मा की डिमांड दोनों सामने आती है, मन किसकी मान के चलता है और कौन सा निर्णय लेता है एक बार चेक करो, आपको पता चलेगा 99% मन को शरीर की फेर में ले जा रहे, मन आत्मा तो करीबन करीबन आता ही नहीं। रास्ते में लड़की निकली, मन बोलता है देख ले, आत्मा बोलता है कि निर्विकार भाव तेरा स्वभाव है क्या देखना है। सच बोलो किसकी बात मानते हो?
आंख अपने आप से ऊपर नहीं उठती, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आंख अपने आप से उठेगी नहीं, मन ऑर्डर करेगा तो ही आंख उठेगी, बाकी नहीं उठेगी। आप ये मत बोलना कि लड़की जाती है तब आंख जाती है, आंख नहीं जाती है, मन ऑर्डर करता है, आप आंख को तैयार करते हो तब आंख जाती है। आप यदि बोलो कि नीचे ही देखना है, आंख न्यूट्रल है, 100% नीचे देखेगी, ऊपर नहीं जाएगी। मैं आपको सीधा छोटा सा प्रश्न पूछना दूं, एक छोटा सा प्रयोग, लड़की जा रही है वहां शरीर और आत्मा दोनों आमने सामने आ जाता है और निर्णय मन को करना है, मन निर्णय करीबन करीबन क्या करता है, शरीर का कि आत्मा का? मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, इतने कमजोर तुम क्यों हो गए, इतने कमजोर क्यों हो गए? इतनी ताकत रखने वाले हम इतने कमजोर क्यों हो गए? नहीं देखना है, 100% गुरुदेव नहीं देखना है, क्या बात है, लड़की तो आई और गई, आधे मिनट का 30 सेकंड का काम नहीं है और इतना गुलाम बन जाता है मन। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, 5 मिनट बची है प्रवचन की, फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, घर में परमात्मा की मूर्ति लाना सरल है कि टीवी को निकाल देना सरल है? नहीं समझे, सच बोलो क्यों? एक छोटी सी बात, परमात्मा के मंदिर में जाना सरल है कि थिएटर में बंद नहीं जाना सरल है? व्हाट इज द चैलेंज फॉर मी? परमात्मा के मंदिर में रोज दर्शन करने के जाऊंगा वो बड़ी चैलेंज है, या सिनेमा के थिएटर में नहीं जाऊंगा वो चैलेंज है? आपको चैलेंज क्या लगता है विनोद? मनोज क्या लगता है? नहीं, आज 5 मिनट में आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं ताकि गलत फहमी न हो। एक बार बताऊं, इस प्रवचन में मैं दूसरा कुछ नहीं करता हूं, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं। मन चंचल है वो भी मत बोलो, मन स्थिर है वो भी नहीं बोलो, शरीर की फेवर में है तब मन परतंत्र है, दैट मीन चंचल है, और आत्मा की फेवर में है तब मन स्ट्रांग है, किसके बाप की सुनता नहीं। हम चारित्र लेने के लिए निकले, कई लोगों ने बोला आत्मा की फेवर में द स्ट्रांग, नो नो नो, कोई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 100% निकल जाएगा, व्हाट इट में भी ये आत्मा के पक्ष में था। आपको पूछना चाहता हूं, आप बोलते कि परमात्मा के मंदिर में जाना सरल है कि थिएटर में जाना बंद करना सरल है, क्या लगता है जामन जी, क्या लगता है? नहीं सीधा पूछ, दो में से इजी क्या है? मंदिर में जाना, एक बात सर बोलो, मंदिर में जाने के लिए आपको मालूम है 5 कंडीशन चाहिए, 5 कंडीशन बताओ। नंबर 1, मंदिर चाहिए, ओके, आप यहां बैठे हो मगर मंदिर में जाना चाहते हो, मंदिर है ही नहीं तो कहां जाएंगे? नंबर 1, मंदिर में मंदिर होना चाहिए, नंबर 1, दैट मीन सामग्री चाहिए। नंबर 2, मंदिर में जाने के लिए आपके पास संयोग चाहिए, संयोग, समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी घर में किसकी डेथ हो गई, संयोग ही नहीं है, मंदिर में नहीं जा पाएंगे, ओके। नंबर 1 सामग्री चाहिए, नंबर 3 संयोग चाहिए, नंबर 3 समय चाहिए। रात को 2 बजे आपको मंदिर में जाने का मन होगा तो ये मंदिर संघ मंदिर नहीं खुलेगा, आप बोलेंगे संयोग सही है, मंदिर भी है मगर गुरुदेव समय नहीं है, ओके। नंबर एक क्या चाहिए? सामग्री चाहिए। नंबर 2 संयोग, नंबर 3 समय चाहिए, नंबर 4 आपके पास सत्व चाहिए, सत्व, पैरालिसिस हो चुका है क्या करेंगे, सत्व ही नहीं आपके पास बचा है, तो नंबर 4 सत्व चाहिए, ओके। नंबर 5 श्रद्धा चाहिए। एक मंदिर में जाने के लिए आपके पास 5 कंडीशन हो तब मंदिर में जाने का सपना आपका पूरा होगा, सामग्री चाहिए, संयोग चाहिए, समय चाहिए, सत्व चाहिए, और 5वें नंबर में श्रद्धा चाहिए, ओके। अभी एक दूसरी बात बताऊं, यदि थिएटर में जाने का आपको बंद करना है तो आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? नहीं जाना है। आप ये बोलो कि गुरुदेव घर में बैठा हूं आज से थिएटर में नहीं जाना है, तो आपके पास क्या चाहिए? कुछ नहीं, सिर्फ सत्व। आप बोलो नहीं जाना है, कितना भी तू प्रयास कर, आई वुड नॉट लाइक टू कम टू यू। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, अच्छा कार्य करने के लिए 5 चीज चाहिए और गलत को छोड़ने के लिए 1 चीज चाहिए, व्हाट इज इजी? आपके माध्यम से मैं आपको ही पूछना चाहता हूं, अच्छा कार्य करने के लिए 5 चीज चाहिए और गलत को छोड़ने के लिए 1 ही चीज चाहिए, व्हाट इज द इजी?
नहीं समझे यार। तो इस सभा में बैठने वाले आज से जिंदगी भर का थिएटर का नियम ले लेके जिंदगी में नहीं जाएंगे। क्या हुआ महावीर जी? तुम बोलते हो ना महाराज साहब संसार में रहना, आपको मालूम है हमने जो साधु जीवन लिया ना, कोई नहीं, हमें ये छोड़ने का काम था ना वेरी इजी, दो ही मिनट में मामला खत्म कर दिया जाते, बाकी जिसको संभालना था वो संभाले, हमको कुछ चाहिए तो दिक्कत थी ना। ये संयम जीवन क्या है मालूम है? अच्छा करना वो संयम जीवन नहीं है, गलत को छोड़ देना वो संयम जीवन है। ये हमारा जीवन की एक ही आइडेंटिटी है, गलत को छोड़ दिया। दैट मीन्स आप बोलते हो महाराज साहब दीक्षा लेना बहुत कठिन है, इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, हमारी जो गोचरी चलती है ना भोजन, राजेंद्र बाबू आप अंदर आ सकते हो जब हमारा भोजन चलता है तब? हाँ, किसने ना बोला? नहीं मैं जानना चाहता हूँ किसने ना किसने बोला। आप अपने अपने आप से आपने निर्णय कर दिया हमारी गोचरी चलती है, पर्दा में हम भोजन करते हैं, आप अंदर नहीं आ सकते हो क्या? हाँ क्या है, क्या विवेक क्या है? मेरी ओर से आपको बताऊं, आप अंदर आ सकते हो मगर आने के बाद जा नहीं सकते हो। वो क्या कंसेप्ट क्लियर? आपको जब भी हम भोजन करें आपको लगे क्या गुरुदेव जलसा करते होंगे, चलो मैं अंदर आ जाओ, वापिस नहीं जाना है। क्या हुआ, क्या हुआ? इसलिए नहीं आ रहे हैं देखो। मैं आपको क्या चोर लग रहा हूं? जिनको भी अध्यात्म के मार्ग पे जाना है उनको ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। परमात्मा तक पहुंचने की बात फिर करना, पहले आत्मा के पक्ष में मन को तो रख दो। 24 घंटे की चैलेंज, 24 घंटे की चैलेंज। एक लड़की आई उसको नहीं देख रहा, वो भी ये कितनी स्ट्रगल है, वो तो जो अनुभव करता है उनको पता है कि एक को भी छोड़ना कितना दिक्कत है, जैसे मन शरीर की डिमांड पूरी करने के लिए पैदा हुआ है। एक में एक दिन में 5 दिन तो 5 टाइम ओनली 5 टाइम्स तो मन को चैलेंज करो। आज एक काम करो, आज कौन सा वार है? आज गुरुवार है, संडे तक ओनली फॉर 3 डे, गुरु शुक्र और शनि और रविवार तक मावी, ये है महावीर हमारा, जब तक प्रोग्राम पूरा ना हो तब तक एक काम करना, भोजन के लिए बैठे कोई भी आइटम सामने से मांगना नहीं। क्या है, क्या हुआ? मैंने ये बंबई में ये नियम की बात बताई, उसने बोला महाराज साहब आप क्या नियम देते हो, शादी के बाद ये नियम अपने आप से आ ही गया है, मांग देगा, मांगने का बंद हो गया कब का महाराज साहब? इतनी छोटी बात करेंगे? 3 दिन के लिए भोजन के लिए बैठे हो, कोई भी आइटम सामने से दिख रही है मगर वो दे नहीं रहा, गलती से भूल गया, जानबूझ के नहीं दे रहा है, मांगना नहीं। क्या है, क्या है? देखो हम उठ के ले लेंगे, ये खाना ही है। मैं क्या बोलता हूं और ये क्या सुनते? मांगना नहीं मेरा इसलिए कहना था कि एक बार तो शरीर को बोलो कि तेरी डिमांड पूरी करना बंद है, ये बोलते उठ के ले लेंगे। क्या है, मौन पालेंगे, इशारा करेंगे। एक बार बताऊं मैं कहां बोलता हूं, तुम नियम लो। मैं तो ये कहना चाहता हूं यदि तुम शरीर से कभी भी उठो, ऊपर उठना चाहते हो, 100 साल की जिंदगी तक यही भीख मांगते रहेंगे, उठेंगे कब? गुरुदेव इस उम्र में ये छोटे छोटे मुनि को तो देखो, तुमने कभी सोचा नहीं, ये 12-14 साल की उम्र में जिंदगी भर के लिए निकल पड़े, उनके शरीर क्या डिमांड नहीं करती होगी, बात को डिमांड करती होगी, मगर मन को तोड़ते नहीं, आज तक तेरी मान ली, अभी संयम जीवन लेकर के बैठा हूं, आत्मा जो बोलेगी मानेंगी, तेरी मानने का बन आओ। तो 1 घंटे के लिए बोलता हूं ओनली फॉर 3 डेज प्रयोग,
तब पता चलेगा गुरुदेव, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि घर में जो आइटम बनी उनका त्याग कर दो, मगर सामने से डिमांड मत करो, बस इतनी ही बात। हाँ, मांगते नहीं अच्छा, ये नियम 3 दिन के लिए, एक चैलेंज, हाथ ऊंचे सबके, वाह, धारणा बिगड़ा बचकाए, आज पत्नी भी खुश हो जाएगी, उनको लगा गुरुदेव जान छुट्टी आज। क्या हुआ, नहीं कुछ बोले आज? आज उपवास के पाड़ने मुझे मालूम है, मगर आपको मालूम नहीं है उपवास के पाड़ने ने या पिरसने वाली आपकी पत्नी नहीं है साधर्मी के, वो बिना मांगे आप नहीं सोचे वो आइटम देंगे। लो आज उपवास का पाड़ना है, वो आज ही नियम याद आया, ये तुम्हारी आज ऊपर डिले करेंगे सौदा कैंसिल हो जाएगा यार। दाना बिगड़े बचका है, दाना बिगड़े बचकाना धर्मगुण सजागरण मात्रागरण सत्याकरण वो श्री, और इनका अनुभव मुझे बताना कि क्या रहा। हाँ मजा आ जाएगी। मैंने बंबई में कहा तो उसने बोला गुरुदेव घर घर का ही नियम है कि होटल का भी है। ये समझे, ये क्या लेकर के बैठे। क्या है क्या है, होटल में भी मत मांगना। क्या है क्या है, होटल में जाना ही नहीं, मांगना नहीं माने जाना नहीं। एक नियम में भी तुम्हारा कितना इश्यू निकलता है, जैसे तुम लगते कि बस मर गए हम तो, 3 दिन के लिए खाने की मैं ना नहीं बोल रहा, मगर तुमको लगा ये अनशन कर दिया संधारा ले लिया हुआ क्या, बड़ी मुश्किल है। मगर एक बात, धीरे धीरे हम कदम बढ़ाते चलेंगे। मैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहता हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। गुरुदेव आई कैन डू, आप दीक्षा ले सकते हो, जिंदगी भर करिए, सब साधु मोबाइल छोड़ सकते, गुरुदेव क्या दिक्कत, क्या वी कैन डू ऑल्सो। और इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, शरीर के डिमांड को ना बोलो और आत्मा के डिमांड को हाँ बोलते चलो, बस इतना ही प्रयोग। आप सब कुछ छोड़ दो, बस इतना करो, ये डिमांड क्रोध के सामने क्रोध, मन बोलता है शरीर बोलता है दे दे उनको सामने जवाब, आत्मा ना बोलती है यार 2 मिनट के लिए वेट कर दे, जाने दे क्रोध का जवाब, क्रोध से नहीं देना है, बस इतना प्रयोग करो, फिर आपको लगेगा गुरुदेव हम अपने परिवार के लिए आलंबन बन चुके हैं। देवता भी चोरी सु मिलती तदा प्रजानाम कुश कुतल कुशलम कुत, यदि लीडर ही गलत कार्य करे रहेगा उनके फॉलोअर्स के लिए वो आलंबन कैसे बनेगा। एक राजा है, नंबर 2 गुरु है, नंबर 3 माँ बाप है और नंबर 4 शिक्षक है। यदि वो ही गलत करेगा अपने फॉलोअर्स को एक अच्छा आलंबन देने से चूक जाएगा। हम मेरे शिष्य को जीवन बचाने के लिए मैं पहले मेरा जीवन बचा लूं, विद्यार्थी के जीवन को बचाने के लिए खुद शिक्षक सोचे मैं पहले बना लूं, बेटे और बेटी के जीवन को सही राह पे ले जाने के लिए माँ बाप सोचे, और इस प्रजा को ईमानदार बनाने के लिए सबसे पहले नेता सोच ले, बात अपने आप से खत्म हो सकती है।